अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 फूड्स दैट हेल्प यू टू अवॉइड एलर्जी, यानी कि 5 ऐसी गिजाएं जो कि आपको एलर्जी से बचने में मदद देती हैं। एलर्जी एक आम मर्ज है, दुनिया में बहुत से लोग इस बीमारी से मुतासर नजर आते हैं। किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है तो किसी को धूप, और किसी को किसी और चीज की एलर्जी होती है। एलर्जी में ज्यादातर आपकी नाक, कान, पेट, हलक और जिल मुतासिर होती है। अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को एलर्जी हो तो डॉक्टर के पास चक्कर जरूर लगाते होंगे। गालिबन महीने में एक या दो मरतबा डॉक्टर के पास जाना हो ही जाता है, लेकिन माहरीन गजाइत का कहना है कि साथ ही साथ अगर आप अपनी खुराक में एंटी एलर्जी के शिया का इजाफा करें तो ये आपको एलर्जी से बचने में मदद दे सकती हैं। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में ऐसी ही 5 गजाओं के बारे में जो कि एलर्जी से बचने में आपके लिए मुफीद हो सकती हैं। नंबर 1, हल्दी पाउडर। एलर्जी का मुकाबला करने के लिए हल्दी एक बहुत ही मुतासिर गुज़ा है। हल्दी का पाउडर कर्क्यूमिन से भरपूर होता है, जो एलर्जी का मुकाबला करने के लिए एक नहायत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कब है। एक चम्मच हल्दी पाउडर लेकर एक गिलास गर्म दूध में मिक्स करके पी लें। हल्दी वाला दूध दिन में एक मरतबा जरूर पिए, और हल्दी का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के खानों में भी यकीनी बनाएं। नंबर 2, लेमू। ये अलग बात है कि लेमू एक फल है या सब्जी, लेकिन हकीकत यह है कि लेमू एक नहायत ही हैरत अंगेज गजा है, जो कुवत मुदाफत को बढ़ाकर आपको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी से महफूज रखती है। लेमू के अंदर पाए जाने वाला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इज्जा जिसम में अल्कलाइन की सतह को भी मुतवाजन रखते हैं। कोशिश ये करें कि पूरे दिन में लेमू के पानी का इस्तेमाल जरूर करें, ये आपके जिस्म को एलर्जी से महफूज रख सकता है। नंबर 3, शकरकंदी। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी के अंदर विटामिन B6, मैंगनीज और बेटा कैरोटीन पाए जाते हैं, जो जिस्म के अंदर सोजिश को खत्म करने में इंतहाई मददगार होते हैं। शकरकंदी के अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, जो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रोकता है और कुव्वत मुदाफत में इजाफा करता है। शकरकंदी को उबालें, ग्रिल करें या भून कर खाएं। आप इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें। आधा कप शकरकंदी रोजाना खाया करें तो आप एलर्जी को शिकस्त दे सकते हैं। नंबर 4, अदरक। अदरक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की हामिल होती है। अदरक एलर्जी का मुकाबला करने के लिए बहुत ही अहम गजा है। तिबी माहरीन के मुताबिक अदरक जिस्म के अंदर सोजिश और एलर्जी का मुकाबला करने के लिए दवाओं से बेहतर साबित होती है। रोजाना एक या दो मरतबा अदरक वाली चाय पिएं और अदरक को अपने खाने में भी इस्तेमाल किया करें। नंबर 5, अलसी। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और सेलेनियम पाए जाते हैं, जो कि एलर्जीज का मुकाबला करने के लिए इंतहाई अहम है। फैटी एसिड जिस्म के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को खत्म करके एलर्जी से बचाव का सामना करता है। एक खाने का चम्मच इस हुई अलसी लेकर नीम गर्म पानी या दूध में मिलाकर रोजाना पिए। आप इस हुई अलसी को दही, सलाद और दीगर खानों के ऊपर छिड़क कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह एलर्जी से बचने के लिए आप इन गजाओं को अपने खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही मजीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक ले रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।